हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल अ स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर। जो पहले तो ये जानना जरूरी है कि मोटर किस लिए यूज करते हैं, डीसी मोटर। तो मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या है, किसमें कन्वर्ट करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके डीसी मोटर होते हैं, लाइक सीरीज डीसी मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। ये डिपेंड करता है किसी भी मोटर का कि जो उसके फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ यदि सीरीज में होगी तो उसको सीरीज मोटर बोलेंगे, यदि पैरेलल में कनेक्ट होगी तो शंट मोटर बोलेंगे, और यदि सीरीज और पैरेलल दोनों में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड मोटर। तो हमारा जो टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, तो आप देखेंगे यहां पे आर्मेचर है। जैसे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एसी मोटर में मेनली दो पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। सिमिलरली किसी भी डीसी मोटर में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर्मेचर, दूसरा होता है फील्ड वाइंडिंग। जो आर्मेचर जो होता है एज ए रोटर होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन, और जो फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो स्टेशनरी होता है। फील्ड वाइंडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और फील्ड उसी फील्ड में आर्मेचर हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो एसी और डीसी में कंफ्यूज मत होना, एसी में स्टेटर होता है एंड रोटर होता है, और डीसी में हमारा क्या होता है, आर्मेचर एज ए रोटर काम करता है और फील्ड वाइंडिंग एज ए स्टेटर काम करता है। अब आते हैं डीसी शंट मोटर में। तो आर्मेचर यदि हमारा शंट मोटर है, इट मींस फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ क्या होगी, पैरेलल में कनेक्ट होगी। इस टाइप के मोटर को बोलेंगे डीसी शंट मोटर। आर्मेचर से जो करंट आईए होगी दो पार्ट में डिवाइड होगी, लोड के क्रॉस हो जाएगी आईएल, और शंट के क्रॉस जाएगी उसको आईएसएस से डिनोट करते हैं। इट मींस आईए इक्वल टू आईए कैन बी रिटेन एज, आर्मेचर करंट कैन बी रिटेन एज आईएल प्लस आईएसएच, आईएल फॉर लोड करंट, आईएसएच फॉर शंट करंट। अब हमें जो करना है स्पीड को कंट्रोल करना है, तो एक एक्सप्रेशन होता है बैक ईएमएफ, ईबी नोन एज बैक ईएमएफ, ये डेरिवेशन है आपको बताया जाएगा। ईबी कैन बी रिटन एज फाई एन पी जेड अपॉन 60A, वेयर फाई द फ्लक्स पर पोल, एन इज द स्पीड ऑफ मोटर, अंडरस्टूड है कि आर्मेचर रोटेट करता है तो स्पीड ऑफ आर्मेचर, पी इज द नंबर ऑफ पोल, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ए नंबर ऑफ पैरेलल पथ, ए की वैल्यू डिपेंड करती है कि वाइंडिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग है या लैप वाइंडिंग है। यदि वेव वाइंडिंग होगी तो ए इक्वल टू इसकी फिक्स वैल्यू होती है 2, और लैप वाइंडिंग होगी तो ए इक्वल टू पी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम देखेंगे तो पी नंबर ऑफ पोल कॉन्स्टेंट होता है, जेड भी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर होता है, ए की वैल्यू भी डिपेंड करती है वाइंडिंग पे तो ये भी कॉन्स्टेंट होगा, बैक ईएमएफ हमें डिपेंड करता है कितने रेटिंग का हमें मोटर चाहिए तो ये भी कॉन्स्टेंट होगा। तो यदि बाकी सारे टर्म मैं कॉन्स्टेंट ले लूं तो यहां देखूंगा कि जो स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, और फाई क्या है आपका, फ्लक्स पर पोल। अब यहां इस एक्सप्रेशन से देखेंगे कि यदि हम फाई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि फाई की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो स्पीड भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, फाई कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे, तो फाई इक्वल टू होता है एमएमएफ अपॉन एस, एमएमएफ फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एस फॉर रिलक्टेंस। एमएमएफ कैन बी रिटन एज एन इंटू आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करेंट, एस इज द रिलक्टेंस। तो यहां से फाई को कंट्रोल करने के लिए या तो हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज या डिक्रीज करें तब भी हमारा फाई इंक्रीज या डिक्रीज होगा, आई को कंट्रोल कर लें तब भी हमारा फाई कंट्रोल होगा, एस की वैल्यू चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाई को चेंज कर सकते हैं, फिर स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब रही बात हमारा जो टॉपिक्स है कि हमें आर्मेचर और फील्ड से कंट्रोल करना है, तो आप जानते हैं वी नो डैट आई इक्वल टू वी बाई आर, कोई भी इक्विपमेंट उसका कोई रजिस्टेंस होगा, यदि इसमें मैं एडिशनल रजिस्टेंस ऐड कर दूं जिसको रियो स्टेट बोलते हैं, है ना, तो एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होगी। जब करंट यहां पे डिक्रीज होगा तो हमारा फाई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्पीड की वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड को चेंज करेंगे, और फील्ड चेंज होगा तो स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी चेंज होगी। सिमिलरली एक एक्सप्रेशन और भी होता है, यदि मैं इन टर्म को कॉन्स्टेंट ले लूं,
एन इक्वल टू के ई बी बाई फाइव, और के ई बी की वैल्यू होती है वी माइनस आई ए इंटू आर ए अपन फाइव। तभी तो हमने फील्ड चेंज कर लिया, अब हम आर्मेचर रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो हमारी ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो देर आर टू मेथड टू कंट्रोल स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर, पहला बाय फील्ड कंट्रोल मेथड एंड सेकेंड वन इज इस एक्सप्रेशन से देखेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तब भी हमारा स्पीड क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब हम आएंगे अभी देखेंगे पैनल को, इसके सर्किट कनेक्शन को, है ना। तो एक चीज और है कि स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड एबव द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पीड बाई वेरिंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस, बढ़ाएंगे उसको रियोस्टेट बोलते हैं, फॉर्म ऑफ रियोस्टेट इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। एंड स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पीड ऑफ डिक्रीजिंग द फ्लक्स बाई डिक्रीजिंग द करेंट इन द फील्ड सर्किट बाई इंक्लूडिंग एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ रियो स्टेट इज नोन एज वेरिएबल फील्ड कंट्रोल मेथड। तो देर आर टू मेथड, है ना, दो मेथड है। यदि आप इसके सर्किट डायग्राम भी देखें तो ये डीसी सप्लाई देंगे इस मोटर को, है ना, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, ये स्टार्टर यूज करते हैं, ये लाइन से कनेक्टेड होता है, ये आपका आर्मेचर से कनेक्टेड होगा आपका, है ना। उसके बाद आप इस पे हम लोग, ये आर्मेचर हो गया आपका, तो हम लोग सप्लाई दे करके हमें, अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो सप्लाई आती है एसी सप्लाई आती है, है ना, जो भी हमारी लैब होती है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है हमारी एसी सप्लाई आ रही है ना, ये एसी सप्लाई है, ये इसका स्विच है, स्विच को यदि मैं ऑन करूंगा तो यहां से सप्लाई आने लगेगी। अब जानते हैं, वी नो डैट कि हमें जो ये, तो भाई हम जान गए कि ये मोटर कौन सा मोटर है, जब इस पर लिखा है साफ साफ लिखा है कि ये डीसी मोटर है, कौन सा मोटर है, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर है। तो इसको सप्लाई, एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है हमारा, एसी मोटर और डीसी मोटर में बेसिकली ये डिफरेंस है कि एसी मोटर पे हम एसी सप्लाई देंगे और डीसी पे क्या देंगे, हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। तो हम क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, ये देखिए लिखा हुआ है पैनल फॉर सिंगल फेज डीसी रेक्टिफायर सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर जो भी एसी आ रहा है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, डीसी में। ये आपका क्या हो गया, स्विच हो गया, इसके हेल्प से हम लोग ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा, यहां देखिए, अब देखिए हमें वोल्टेज दिखा रहा है, अभी तो ये 100 वोल्ट है। यहां पे ऑटो ट्रांसफार्मर है, अभी पढ़ाया जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं, देखिए इसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज को, हम 220 वोल्ट लेना चाह रहे हैं, है ना, तो हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए इसको यदि मैं इधर एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो वोल्टेज कम हो रहा है ना, और जैसे ही मैं यदि इसको बढ़ाऊंगा, क्लॉकवाइज में बढ़ा रहा हूं, तो देखेंगे आप वोल्टेज क्या हो सकता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, है ना। तो ये आपका सप्लाई कितनी आ रही है ना, अब डीसी, ये तो एसी, उसके बाद यहां पे डीसी कितनी आ रही है ये शो कर रहा है, उसके बाद ये फ्यूज है, फ्यूज हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब यहां देखिएगा, अब हमारा जो मेन पैनल है ये लिखा हुआ है पैनल फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, तो इसका अंदर भी डायग्राम है, या तो हम इस पैनल को डायरेक्ट यूज कर ले, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हम अलग से बना करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई आ रही है, जो भी रेक्टिफायर है वो डीसी यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे दो वोल्ट मीटर लगा है, पहला वोल्ट मीटर है आपका सप्लाई के लिए कि सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही है, दूसरा है आर्मेचर के अक्रॉस कितने वोल्टेज है। ये देखिए आपका मोटर है, ये डीसी शंट मोटर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये हमारा आर्मेचर है और इसके साथ फील्ड जो है क्या आपकी पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे दो वोल्ट मीटर लगे हैं, पहला सप्लाई कितना आ रही है इसके लिए, दूसरा आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा उसके लिए। उसके बाद दो फील्ड है, एक फील्ड के लिए एक आर्मेचर के लिए, तो ये अमीटर है, दो अमीटर है, दो वोल्ट मीटर है। और आप जानते हो कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर में हम लोग क्या करते हैं, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये स्टार्टर है, स्टार्टर, अब रही बात कि स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई करें, हाई स्पीड ना हो, है ना, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्ट हम सप्लाई दे दे यदि हम, तो मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, तो उसको स्पीड को हमें वेरी करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, थ्री पॉइंट स्टार्टर या फोर पॉइंट स्टार्टर, यहां पे जो है